राम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिया है भुने हुए चना, तो इजीली बाजार में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने छिलका सहित लिया है, यहाँ पे मखाना लिया है, यहाँ पे बादाम, तो ये कम से कम 100 ग्राम बादाम है, और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम चना लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक कटोरी हमारा मखाना है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो ये तीनों सामग्री इकट्ठा कर लिए हैं। तो चलिए इसको ग्राइंडर जार में डाल के और बड़े तरह से पीस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया ग्राइंडर जार, इस तरह से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पीस लेते हैं, इकट्ठा डालने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजों को पीस लेना है। जी फ्रेंड, हमने देख सकते हो इस तरह से पीस लिया है। अगर आप चाहो तो चना का जो है छिलका निकाल सकते हो, पसंद आपकी है। इस तरह में थोड़ा सा हेल्दी सी रेसिपी बनेगी। अगर हम छिलके में जो है के साथ पीसेंगे तो बहुत हेल्दी बनेगी, क्योंकि छिलके के अनेक फायदे हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह का। तो इसी तरह हम यहाँ पे इतना है इसको भी पीस लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से बादाम को डालेंगे, इसको भी बढ़िया तरह से पीस लेते हैं। बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम या ज्यादा। लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको भी हमने बढ़िया तरह से बादाम को पीस लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे मखानों को। इस रेसिपी में मखाना जरूर यूज कीजिएगा, और ज्यादा क्वांटिटी में यूज कीजिए, क्योंकि मखाने के अनेक फायदे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदा भी करते हैं। तो बस इस तरह से इसको बड़े तरह से डाल के इसको भी पीस लेते हैं। लीजिए फ्रेंड, मखाने को भी हमने बढ़िया तरह से पीस लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि ध्यान देने वाली बात, अगर मखाना थोड़ा सा सिम है तो उनको हल्का से भून लीजिए तभी पीसिएगा, नहीं तो ये जल्दी पिसाते नहीं है, बस गोल गोल घूमते रहते हैं। बस इस तरह से सारी चीजें को देख सकते हैं हमने बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया है, एकदम परफेक्ट जो है हमारा मिक्स बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया, इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच घी, देसी घी है। ये रेसिपी को घी से ही बनाइएगा, ये चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो हमारा मिक्स है बस इस तरह से इसको डाल देना है, मीडियम फ्लेम पे इसको कम से कम 5 मिनट तक बढ़िया तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम एकदम धीमा होना चाहिए, चीज का ध्यान रखिए, तेज आंच में बिल्कुल मत भूनिएगा, नहीं रेसिपी खराब हो जाएगी। ये 2 चम्मच घी से ही रेसिपी तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हो। यूट्यूब फैमिली से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। सभी को इस तरह की रेसिपी चाहिए होता है, तो जरूर जरूर रेसिपी को देखिए और शेयर भी कीजिए। किसी किसी दिन तो आप लोग देखना ही भूल जाते हैं, वीडियो अपलोड हो जाती है, आपके मोबाइल में आ भी जाती है, लेकिन जो है आप लोग बिल्कुल नहीं देखते, एकदम देखना ही भूल जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखा जरूर कीजिए, चाहे थोड़ा से ही देखिए लेकिन देखिए जरूर। जो आप लाइक कमेंट करते हैं थोड़ा हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है कि कोई तो है जो अपने लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो हौसला बढ़ाने के लिए आप मुझे कमेंट लाइक जरूर कीजिए। आप लोग मुझसे अपनी मनपसंद की रेसिपी भी मांग सकते हो कमेंट करके, तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, रेसिपी मांगिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है, अच्छा भी लगता है जब आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं। जी फ्रेंड, बातें करते करते 5 मिनट हो गए हैं, अब बहुत बढ़िया से भून भी चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है। तो चलिए इसको बाहर उतार के रख लेते हैं, तो हमारा मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक कुछ आगे काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है चीपी, तो इसको गांव में चीपी बोलते हैं, कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैंने तोड़ लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हो, मेरे पास रखी थी तो मैंने प्रयोग में ला लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा लिया है, 150 ग्राम होगा। यहाँ पे डालेंगे आधी कटोरी पानी, बस इस तरह से, ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना क्योंकि इसमें भी पानी छूटेगा। अब करना क्या है, गैस को ऑन कर देना है और इसका एक चिपचिपा सा सीरा बना लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े से पिघलने लगा है, बस हल्का से चिपचिपा बन आ जाएगा तो उतना भर तक बहुत है। अब फ्लेवर के लिए चाहे तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हो।
लीजिए फ्रेंड्स, सीरा हमारा बनके रेडी हो चुका, हल्का से चिपचिपा है, बस इस तरह से डाल देना है, जितना लगे बस उतना भर तक बहुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बढ़िया से गाढ़ा बनाया, इसीलिए हमने ज्यादा पानी भी नहीं डाला है इसमें, बस इस तरह से इसको मिला देना है। यहाँ पे लगभग हमारा पूरा सीरा लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सभी को डाल दिया है, पूरा खत्म हो चुका। अब सारी चीजों को बढ़िया तरह से मिला देना, क्योंकि इसमें सत्तू है तो इसके वजह से ये थोड़ा से अब्जॉर्ब करेगा, तो अभी ये थोड़ा ठीक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर लगे कि सीरा कम पड़ रहा है तो एक दो चम्मच घी का आप प्रयोग कर सकते हो। ये देखिए बहुत परफेक्ट हो गया है। हमने बढ़िया तरह से मिला लिया है, अब करना क्या है, इस तरह से छोटे छोटे इसके लड्डू बना लेना। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हम बहुत ही हेल्दी से लड्डू बना रहे हैं, जो कि शरीर में जो कमजोरी, थकावट, माइग्रेन, काफी दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए ये काफी फायदा करता है, बस इस तरह से बना लेना है। जी फ्रेंड, हमने सभी को बढ़िया तरह से बना भी लिया है, और इस तरह से बादाम से इसको डेकोरेट भी कर दिया, चाहे काजू से करें चाहे बादाम से करें, पसंद आपकी है। तो बहुत टेस्टी और हेल्दी से हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए काफी इसमें शाइनिंग भी है और काफी मुलायम भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, अभी ये हल्के हल्के गर्म है, लेकिन देख सकते हो कितने बढ़िया दाने भी है और काफी अच्छी शाइनिंग भी है और मुलायम भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की रेसिपी अपने घर में आप किसी भी मौसम में ट्राई कर सकते हो। इसमें जो है खाने के ऊपर होता है, जैसे कि हम ज्यादा ना खाएं कोई चीज को, लिमिट भर सारी चीजों को खानी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप कहेंगे कि बादाम बहुत ज्यादा गर्म होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, खाने की क्वांटिटी कम रखिए। जैसे कि एक यहाँ पे हमने छोटा से बनाया है, ये आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है छोटा, जैसे कि एक ले लीजिए, एक ग्लास दूध जरूर लीजिए, दूध के साथ जब आप इसको खा करके पियोगे तो बहुत बढ़िया से आपको रिजल्ट आएगा, ये चीज का ध्यान रखिए। अगर दूध नहीं लेंगे तो हाँ ये थोड़ा से गर्म कर सकता है, लेकिन इसमें मखाने भी हैं, तो ज्यादा गर्म करने कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आप इस रेसिपी को किसी भी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बच्चों को देना है तो छोटा से बढ़िया बना लीजिए, अने तो आधा दे दीजिए एक गिलास दूध के साथ, रात को सोने से पहले बढ़िया तरह से खिला दीजिए, फिर एक गिलास दूध दे दीजिए, बहुत फायदा करता है माइग्रेन के लिए, थकावट, कमजोरी है सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदे है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ भी डाला है। गुड़ की तासीर तो आप जान रहे हो, हल्की से गर्म भी होती है, गुड़ की तासीर हल्की से गर्म होती है, लेकिन गुड़ के फायदे अनेक है, ये चीज का ध्यान रखिए। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नुकसान करे या बच्चों को नुकसान करे, तो फायदे इसके अनेक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आपको सब भी करके दिखा दिया, तोड़ के भी दिखा दिया है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।